आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट दिस सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ये एक आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेसिकली, जिसके अंदर हमने सोलुबिलिटी से रिलेटेड एक नई टर्म जो है वो डिफाइन करनी है, जिसका नाम है जी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। आपको पता है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड जो कि सोलूबल होता है आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो जो प्रोसेस कहलाता है दैट इज़ आयनाइजेशन, या फिर क्या कहते हैं जी डिसोसिएशन, या हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन कि वो चीज़ उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है। होता क्या है कि वो जो आयनिक कंपाउंड है वो अंदर जाके वाटर के साथ तो स्प्लिट हो जाता है इनटू द आयंस, वो अपने आयंस के अंदर जो है वो बॉडी स्प्लिट अप हो जाती है। अब सोलुबिलिटी क्या होती है? सोलुबिलिटी की जो जनरल कॉन्सेप्ट है सोलुबिलिटी का वो ये है कि अगर एक मेरे पास सॉल्यूशन है या एक मेरे पास फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट ए डाला और सेम सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट बी डाला और दोनों की सेम अमाउंट डाली, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 100 ग्राम्स ऑफ ए एंड 100 ग्राम्स ऑफ बी मैंने अपने सॉल्वेंट में ऐड करवाए, और जब मैंने इसको शेक किया तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो ए सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया, सारा का सारा डिसॉल्व हो गया 100 का 100 ग्राम। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी जो है वो पार्शली डिसॉल्व हुआ, मतलब कुछ डिसॉल्व हो गया और कुछ जो है वो नीचे उसके बॉटम पे आपके कंटेनर के सेटल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए हैज़ हायर सोलुबिलिटी, उसके डिसॉल्व होने की जो पावर है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर वाटर के अंदर वो ज़्यादा है। ए हैज़ हायर सोलुबिलिटी देन बी सोल्यूट, तो ए सोल्यूट की जो सोलुबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो सोलुबिलिटी इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व्ड, कि आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपका सॉल्यूट जो है वो कैसे जो है वो डिसॉल्व होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का। अब कुछ सॉल्यूशंस जो उनसे होते हैं या कुछ कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक क्या है के हाईली सोलूबल, मतलब वो उनकी सोलूबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा है जी पार्शली सोलूबल, या फिर जिसको हम कहते हैं स्पेरिंगली सोलूबल, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होते, वो कुछ कुछ हिस्सा उनका डिसॉल्व होता है और बाकी नहीं होता। और कुछ होते हैं जी इनसोलूबल, जो कि किसी भी तौर पे डिसॉल्व नहीं होते। तो अब अगर हम बात करें अपने कंपाउंड्स की, तो ये तीन तरह के कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारा जो सोलुबिलिटी का प्रोडक्ट है वो इसके ऊपर बेस करेगा। स्पेरिंगली सोलुबल को हम स्टडी करेंगे, लेड क्लोराइड PbCl2, दिस इज़ अ स्पेरिंगली सोलुबल कंपाउंड। ये जब आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं PbCl2 जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ये जब वाटर के अंदर जाता है तो तीन स्पीशीज जो सी हैं पानी के अंदर मौजूद होती हैं। एक जो है आपके पास Pb2+ जो कि लेड का आयन है, दूसरा Cl-, और तीसरा चीज़ PbCl2 खुद भी एक्वस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये स्पेरिंगली सोलूबल है, तो कुछ हिस्सा डिसॉल्व होके आयंस बना देगा और कुछ जो डिसॉल्व नहीं होगा वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी
पीबी सीएल टू जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ये जब जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा पीबी सीएल टू एक्वस फॉर्म, और ये इक्विलिब्रियम में होगा पीबी प्लस टू सीएल नेगेटिव के साथ, जो कि आपके पास एक्वस फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये स्पेरिंगली सोलूबल है। सिमिलरली इसकी इस इक्वेशन की अगर मैं के सी लिखूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, वो होगी पी बी टू प्लस की कंसनट्रेशन सी एल माइनस की कंसनट्रेशन की पावर टू, क्योंकि इसका साथ ये टू है, और डिवाइडेड में आएगा डिनोमिनेटर में पी बी सी एल टू की कंसनट्रेशन। तो दिस इज द के सी फॉर दिस कंपाउंड। सिमिलरली एक और स्पेरिंगली सोलूबल सोल्यूशन है पी बी एस ओ फोर, जो कि क्या है, लेड सल्फेट। ये भी उसी तरह जब आप सॉलिड फॉर्म में डालते हैं तो कुछ हिस्सा इसका जो है वो उसी शक्ल में रहता है एक्वस सोल्यूशन में जाके, और कुछ जो है वो डिसोसिएट हो जाता है आपके पास लेड के आयन में और सल्फेट आयन में एक्वस फॉर्म में। तो यही सिमिलरली जैसे पी बी सी एल टू था, इसी तरह ये पी बी एस ओ फोर का जो है कॉन्सेप्ट है। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो वो मेरे पास होगी पी बी टू प्लस की कंसनट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ऊपर आती है, मल्टीप्लाई बाय द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ द आयन। तो ये मेरे पास आ गई के सी की जो है वो सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेशन। अब जो है हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ लेड सल्फेट है ना, ये दिस वैल्यू दिस रिमेंस कांस्टेंट। इसकी क्या वजह है, ये हम क्यों पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे? ये कांस्टेंट इस वजह से है कि आपका जो पी बी एस ओ फोर है दैट इज स्पेरिंगली सोलूबल ना। तो स्पेरिंगली सोलूबल होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन करीब करीब उतनी ही रहेगी, और उतनी ही रहने की वजह से हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर देते हैं। अब जब कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो मैं इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा के सी विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय लेड सल्फेट इज इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ लेड आयन मल्टीप्लाई बाय द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्फेट आयन। तो ये दो हमारे पास जो हैं, एक इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया। अब जो के सी इसकी कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज दी के एस पी, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हमने जो है यहाँ पर डिराइव कर लिया के एस पी, और ये बराबर होगा हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ दी आयंस के की प्रोडक्ट के, इसकी कंसनट्रेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दूसरे आयन की कंसनट्रेशन के साथ। तो मेरे पास जो नई डेफिनेशन आ गई, नई टर्म जो हमने डिफाइन की, दैट इज के एस पी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। के एस पी ऑफ पी बी एस ओ फोर विल बी इक्वल टू दी पी बी टू प्लस की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फेट आयन की कंसनट्रेशन, और ये बराबर होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 एट 25 डिग्री सी। तो ये जो उनकी वैल्यू है आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट है किसकी, लेड सल्फेट की। सिमिलरली के एस पी ऑफ पी बी सी एल टू, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी जी पी बी टू प्लस इंटू सी एल नेगेटिव की कंसनट्रेशन और इसकी पावर टू, क्योंकि ये दो है तो दो आयन्स जो से हैं आपके निकलेंगे। अब एट रूम टेम्परेचर जो है आपके पास के एस पी की वैल्यूज़ जो सी हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यूज़। अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज़ 25 डिग्री सी जो कि रूम टेम्परेचर है, और ये के एस पी की वैल्यू आई है जो कि नेगेटिव में है। और अगर आप अपनी बुक में मौजूद टेबल को देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ जो सी हैं वो गिवन हैं। तो नेगेटिव इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। अब
हम चलते हैं अपनी जनरलाइज इक्वेशन की तरफ. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक आयनिक सॉल्यूशन है जो कि ए एक्स और बी वाई की फॉर्म में है, तो आपको पता है कि ये जब आयन देंगे तो ये आयन कुछ इस तरह से देंगे, एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी माइनस एक्स. ये इस तरह की जनरलाइज जोन सी है हमारे पास फॉर्म बनती है. इसको आप इस तरह से समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास के टू एस ओ फोर है, तो जो मेरे पास चीज़ें बनेंगी वो होंगी कुछ इस तरह से. मेरे पास के पॉजिटिव बनेंगे प्लस वन, और ये बनेगा टू, और एक मेरे पास बनेगा एस ओ फोर जिसके ऊपर होगा माइनस टू. तो इसको आप इससे जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि ये टू जो है ये एक्स है, ये यहाँ पे जाके इस फॉर्म में आ गया ये. और जो आपके पास एस ओ फोर है ये बेसिकली वन है, तो के चूँकि प्लस वन होता है तो फिर ये टू जोन सा है यही वाला एक्स यहाँ पर आएगा. और एस ओ फोर के नीचे कुछ नहीं है, वन है. ये एस ओ फोर बेसिकली पूरी वन चीज़ है, वन यूनिट है. तो इसके इधर वन है, तो यही वन जो है ये बेसिकली वाई है जो यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पर इसके साथ वन के तौर पे आया. तो ये जनरल आयनिक कंपाउंड जब आपके पास आयनाइज होता है तो ये उसकी जनरल फॉर्म होती है. और जब इस जनरल फॉर्म की हम के एस पी की फॉर्म में टर्म लिखेंगे, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे, तो ये होगा ए प्लस वाई और इसकी पावर ये एक्स, और ये हो जाएगा जी बी माइनस एक्स और इसकी पावर वाई. तो इस तरह से जो है हमारे पास सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आएगी. सिमिलरली अगर मैं के टू एस ओ फोर की सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लिखूं तो ये हो जाएगा के प्लस वन और उसकी पावर टू, और एस ओ फोर माइनस टू और उसकी पावर वन. तो ये जो सा है आपके पास ओवरऑल सिस्टम बनेगा. तो यहाँ तक जो चीज़ हमने डिफाइन की वो थी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट. और इसकी डेफिनेशन क्या है आपके बुक में गिवन है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस. आयंस की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट है जो कि रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट, जो कि उसकी पावर में हमने एक्सपोनेंट लिखे हैं. और एक्सपोनेंट कौन सा है, इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो ये आपके पास जो है एक डेफिनेशन आ गई किसकी, के एस पी की, जो कि क्या है, प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा. तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और आयंस की पावर आपको पता है क्या, वो जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर में जो है वो चला जाता है. तो अब आप अगर अपनी बुक में मौजूद टेबल देखें जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की के एस पीज आपके पास गिवन हैं, तो आप उनकी वैल्यूज़ को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि वो वैल्यूज़ क्या हैं, वेरी स्मॉल हैं. और स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब है, कोई वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपके उस टेबल ही में से मैं दो चार एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं. एक एग्जांपल है जी ए जी टू एस की, ये है जी सिल्वर सल्फाइड है होगा ये. इसकी के एस पी आपके पास गिवन है 8×10⁻⁸. फिर आपके पास बेरियम कार्बोनेट की है 2×10⁻¹. और सिमिलरली आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो भी गिवन है, विच इज़ 6.5×10⁻⁶. तो ये तीन वैल्यूज़ मैंने लिखी. इसका मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये. तो ये वेरी लेस सोलूबल होगी, ये उसकी निस्बत ज़्यादा, और ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा. तो पता यहाँ पर ट्रेंड ये पता चला कि लेसर द के एस पी स्मॉलर इज द
डिसोसिएशन, उसकी डिसोसिएशन होने की जो एबिलिटी है वाटर के अंदर जाके आपके आयनिक प्रोडक्ट की, वो जो है वो कम से कम होगी। तो ये था हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ केएसपी जो कि सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है। इसके अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे इसकी कि केएसपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, या केएसपी अगर हमारे पास गिवन हो तो हम क्या चीज़ें उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ केएसपी जो हमारा इससे अगला टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।